फ्रेंड्स, आज के ट्यूसडे टूर में हम आपको लेके चलेंगे दिल्ली के प्रसिद्ध मंदिर माँ आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर छतरपुर। आद्या कात्यायनी मंदिर या छतरपुर मंदिर दिल्ली की सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। दोस्तों, छतरपुर मंदिर दिल्ली का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। यह मंदिर गुड़गांव महरौली रोड पर है। दोस्तों, यह मंदिर सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है और इसकी सजावट बहुत ही आकर्षक है। दक्षिण भारतीय शैली में बना यह मंदिर लगभग 70 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला है। मंदिर परिसर में खूबसूरत लॉन और बगीचे हैं। आज हम ये यात्रा मेट्रो से करेंगे। येलो लाइन की मेट्रो सीधा छतरपुर आती है। छतरपुर मेट्रो स्टेशन से उतरकर हम यहाँ ऑटो या ई रिक्शा ले सकते हैं मंदिर के लिए। वैसे मेट्रो स्टेशन से मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप पैदल भी जा सकते हैं। कोविड के बाद मंदिर में प्रवेश के नियम काफ़ी बदल गए हैं। आप किसी प्रकार का झोला, बैग या नारियल आदि लेके मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। हाँ, यदि आप भंडारे के लिए कुछ दान करना चाहते हैं तो इसके लिए बाहर स्टॉल पर आप आटा, घी, तेल इत्यादि दान कर सकते हैं। ऑनलाइन चैरिटी के लिए आप मंदिर की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। दोस्तों, जूता चप्पल बाहर बने जूता घरों में खुद रखना होगा। टोकन सिस्टम अभी बंद है, तो बैग रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। आप मंदिर जाते समय किसी भी प्रकार के पिट्ठू बैग, बड़े पर्स या ये सारी चीज़ें लेकर के ना जाएं। हाँ, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, तो मास्क लगा करके जाएं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर फुल बॉडी सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है। अंदर मंदिर में जगह जगह हैंड वॉश की भी व्यवस्था की गई है। माता रानी के दर्शन के बाद अब आप प्रसाद लेकर मंदिर से बाहर आ जाएंगे और अभी यहाँ ज़्यादा देर रुकना मना है। मंदिर के अपोजिट यानी सड़क पार करके आप शिव गौरी नागेश्वर मंदिर और परम पूज्य संत नागपाल जी की समाधि स्थल पर जा सकते हैं। यहाँ भारतीय संस्कृति को दर्शाता मनमोहक पार्क भी है। इसके अलावा यहाँ भगवान विष्णु, लक्ष्मी देवी, भगवान गणेश और राम दरबार के साथ साथ हनुमान जी की बड़ी मूर्ति स्थापित है, जिनका आप दर्शन करेंगे। यहाँ आने का सही समय सुबह 10 बजे का है। 2-3 घंटे में आप यहाँ पर मंदिर का दर्शन पूरा कर लेंगे। दोस्तों, यह मेरा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।